आज हम इस लेक्चर सीरीज में जो हिप बोन की चल रही थी उसमें हम आज हम बात करेंगे फीमर की। तो फीमर में जो एज ए लॉन्ग बोन, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो कोई भी बॉडी की लॉन्ग बोन होती है उसको हम तीन पार्ट्स में ही पढ़ते हैं, अपर एंड, लोअर एंड और शेफ्ट। तो इसमें जो है अपर एंड लोअर एंड शेफ्ट के साथ साथ हम सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन में ये राइट की है कि लेफ्ट की है इसकी हमें बात करनी है। तो साइड डिटर्मिनेशन में ये हेड होता है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे सुपीरियरली, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगी सुपीरियर टू इन्फीरियर की हम बात करें तो सुपीरियर टू इन्फीरियर में ये सुपीरियरली चला गया और इन्फीरियर जो है वो एक्सपेंडेड कॉन्डाइल्स होते हैं। दूसरा साइड डिटर्मिनेशन के लिए पॉइंट हम बात कर सकते हैं, ये जो शाफ्ट है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ कॉन्वेक्स होता है। ये देखिए इसमें जो है इस तरीके से, तो ये आगे की तरफ कॉन्वेक्स है, पीछे की तरफ कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके से फीमर ये हो जाती है हमारी एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एक हो गया सुपीरियर टू इन्फीरियर, अब ये हो गया हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर। शाफ्ट के बारे में बात कर ली है, सुपीरियर टू इन्फीरियर में हमने हेड के बारे में बात कर ली है, और अब मीडियल टू लेटरल रह गया है। तो मीडियल टू लेटरल में हम जो फीमर का हेड है इसको हम मीडियली रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मीडियली इसको, तो इस तरीके से हमारे तीन पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अब हम पहला पॉइंट देखते हैं, हेड शुड बी प्रेजेंट सुपीरियरली, ठीक है, हमने सुपीरियर में रख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, हेड को हमने मीडियल में रख लिया, इधर रख लिया, और जो आगे का इंटीरियर सरफेस है ये हमारा कॉन्वेक्स होना चाहिए फॉरवर्ड्स। तो इस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि ये हमारी जो बोन है वो लेफ्ट साइड की बोन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हिप बोन हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड की हिप बोन हो जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अपर एंड के बारे में बात करते हैं। तो अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट, तीन स्ट्रक्चर्स में हमको पढ़ना है। तो अपर एंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अपर एंड में हेड पढ़ेंगे, नेक पढ़ेंगे, और ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले हम हेड के बारे में बात करते हैं, हेड जो है वो एसिटाबुलम के हिप जॉइंट के साथ, हिप किप बोन के साथ हिप जॉइंट फॉर्म करता है। और हेड के अगर हम देखें तो हेड जो है वो मोर देन हाफ अ स्फेयर होता है। मोर देन हाफ अ स्फेयर का मीन्स इसको हम ह्यूमरस से कंपेयर कर सकते हैं। ह्यूमरस का जो हेड होता है वो लेस देन हाफ अ स्फेयर होता है, और इसका जो होता है वो लगभग स्फेयर ही होता है, बस थोड़ा सा कम होता है। तो इसीलिए इसको मोर देन हाफ अ स्फेयर बोला जाता है। और इसमें एक छोटा सा गड्ढा होता है, इसको फोविया बोलते हैं, जो फीमर के हेड के इसके सेंटर में, इसके नीचे और पीछे की तरफ, थोड़ा सा अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो देखेंगे हम कि फोविया हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ये पीछे साइड में होता है। तो इस तरीके से ये हेड के बारे में हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक पे। नेक पे जो हेड को शाफ्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, नेक हो जाएगा। नेक में दो बॉर्डर, दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, और जो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है वो पोस्टीरियर सरफेस। तो अपर बॉर्डर इट कनेक्ट्स द हेड विद द ग्रेटर ट्रोकेंटर, लोअर बॉर्डर इट कनेक्ट्स द स्फेयर हेड विद द लेसर ट्रोकेंटर, एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ये एंटीरियर सरफेस फ्लैट है, जबकि अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर, ये देख सकते हैं सुपीरियर टू इन्फीरियर ये कॉन्वेक्स है, और साइड टू साइड, मीडियल टू लेटरल या साइड टू साइड ये कॉनकेव है। तो इस तरीके से ये नेक हो जाता है। नेक में पोस्टीरियर साइड में कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, इररिस्पेक्टिव टू एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस फ्लैट हो जाता है। आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस जो है वो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, ये इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन है, यहाँ पर ये एंड करता है और इसके बाद शाफ्ट शुरू हो जाता है। और पीछे की तरफ ये बड़ा सा जो रिज लाइक स्ट्रक्चर पूरा एलिवेटेड दिख रहा है, ये इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट है, और ये पीछे पोस्टीरियर सरफेस को शाफ्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की। दिस वन इज ग्रेटर ट्रोकेंटर, इसको हम पहले चारों तरफ से देख लेते हैं कैसा ग्रेटर ट्रोकेंटर दिख रहा है। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है पूरा, और ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके बॉर्डर सरफेस को देखें तो बॉर्डर में ये एक अपर बॉर्डर सबसे ज़्यादा क्लियर होता है, बाकी सब इल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं। इसमें सरफेस, ये चूंकि हमारा एंटीरियर पोर्शन था, एंटीरियर सरफेस था, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर का ये वाला सरफेस एंटीरियर सरफेस कहलाता है, ये वाला
लेटरल सरफेस बाहर निकल जा रहा है इसलिए ये लेटरल सरफेस है, और चूंकि लेटरल सरफेस पूरा पीछे तक भी ऑलमोस्ट कवर करता है, और ये अंदर की तरफ एक सरफेस है इसको बोलते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे यहाँ अंदर की तरफ एक फोसा प्रेजेंट रहता है, ट्रोकेंट्रिक फोसा, और ये इस तरीके से ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पॉइंटेड निकल आता है, इसको बोलते हैं, ये पॉइंटेड जैसा दिखाई दे रहा है ये, इसको बोलते हैं एपेक्स। तो अपर बॉर्डर पे एक एपेक्स प्रेजेंट रहता है, ये थोड़ा सा और आप बाकी बोन्स में भी देख सकते हैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। और फीमर को हम कंपेयर करेंगे तो किसी किसी में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई देता है, किसी में थोड़ा कम दिखाई देता है। तो ये प्रोमिनेंट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एपेक्स बोलेंगे, और यहीं एपेक्स के नीचे ही ये ट्रोकेंट्रिक फोसा प्रेजेंट रहता है जो इसके मीडियल सरफेस में आता है। तो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हो जाएगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे हम एक रिज देख सकते हैं, ये एक ऑब्लिक रिज प्रेजेंट है, ऑब्लिक रिज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। एंटीरियर सरफेस काफ़ी रफ होता है और जो लेटरल सरफेस होता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्मूथ होता है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है इसका ये रफ होता है। अब उसके बाद हम आते हैं लेसर ट्रोकेंटर। लेसर ट्रोकेंटर ये देख, लेसर ट्रोकेंटर दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर कट, ये कोनिकल एमिनेंस है, ठीक है। वो क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस था, ये कोनिकल है, तो ये कोनिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेटर ट्रोकेंटर बड़ा है और लेसर ट्रोकेंटर छोटा है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और ये कहाँ पे हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे कोनिक, जो लेसर ट्रोकेंटर है ये पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है और थोड़ा सा बिहाइंड पीछे की तरफ ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम आते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन आगे की तरफ एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है, रफ एंड स्ट्रक्चर टाइप का होता है और नेक को शाफ्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट नेक के और शाफ्ट के बीच में पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहता है ये। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक छोटा सा एमिनेंस टाइप का ट्यूबरकल टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। और आगे की तरफ जो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ही नीचे नेक के पास देखिए कंटिन्यू कर रही है नीचे की तरफ, ये स्पाइरल लाइन में, ये नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है, ये स्पाइरल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। उसके बाद हम आते हैं शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट को हम तीन पार्ट्स में स्टडी करेंगे, तो शाफ्ट के तीन पार्ट्स में हम स्टडी कर रहे हैं। इसको हम बात कर सकते हैं तीन पार्ट में, अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड। तो अब मिडिल वन थर्ड के बारे में हम बात करें तो मिडिल वन थर्ड में आगे की तरफ मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। ये मीडियल बॉर्डर जो इल डिफाइंड है, पोस्टीरियर बॉर्डर ये भी इल डिफाइंड है, लेकिन पोस्टीरियर जो बॉर्डर है वो बिल्कुल क्लियर है, इसको बोलते हैं लीनिया एस्परा। ये ऊपर की हम तरफ देख रहे हैं कि ये बाइफरकेट हो गया है, और नीचे हम आएंगे तो भी हम देखेंगे ये बाइफरकेट हो गया है। तो बाइफरकेट होने की वजह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ चार चार सरफेस हो जाते हैं, जबकि बीच में तीन सरफेसेस रहते हैं। तो सरफेसेस की बात कर लेते हैं। शाफ्ट में मिडिल वन थर्ड में सरफेस होता है मीडियल सरफेस, ये इधर किनारे लेटरल सरफेस, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। यहाँ आते हैं एंटीरियर सरफेस, ये मीडियल सरफेस, एंटीरियर सरफेस, ऊपर की तरफ आते हैं मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, और बीच में एक एक्स्ट्रा पोस्टीरियर सरफेस, क्योंकि ये बीच में जो है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है पोस्टीरियर सरफेस। सेम यहाँ पे भी है, ये हो गया एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, और यहाँ पे लीनिया एस्परा बाइफरकेट कर जाती है और ये लाइंस बन जाती हैं, इनको बोलते हैं जो मीडियल साइड में है ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन, लेटरल साइड में लेटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन। तो इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा सरफेस बन जाता है जो पोस्टीरियर सरफेस, या इसको पॉपलीटियल सरफेस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से तीन सरफेसेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। मिडिल वाले में जो था वो हमारा एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड पे कॉन्डाइल्स प्रेजेंट रहते हैं, कॉन्डाइल्स में मीडियल साइड में मीडियल कॉन्डाइल रहता है, लेटरल साइड में लेटरल कॉन्डाइल रहता है। तो हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ये आर्टिकुलर सरफेस होता है, रेस्ट ऑफ द सरफेस इज नॉन आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस में ये वाला जो मीडियल कॉन्डाइल है ये थोड़ा सा शाफ्ट से थोड़ा सा दूर निकला हुआ होता है, जबकि जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वो शाफ्ट के अलोंग ही होता है। ये हम देख सकते हैं शाफ्ट के अलोंग है, जबकि ये शाफ्ट से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। मीडियल कॉन्डाइल पे एक बहुत ही पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एडक्टर ट्यूबरकल,
एडक्टर ट्यूबरकल, उसी के नीचे मीडियल पे ये मीडियल एपिकोंडाइल प्रेजेंट रहता है। लेटरल साइड में आते हैं तो लेटरल पे ये लेटरल एपिकोंडाइल प्रेजेंट रहता है और नीचे ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये जो पूरा आर्टिकुलर सरफेस है, आर्टिकुलर सरफेस में यहाँ आगे की तरफ पटेला लगी रहती है, इसीलिए इसको पटेलर सरफेस बोलते हैं, और यहाँ पे टिबिया कम्युनिकेट करती है इसलिए इसको टिबिया सरफेस बोलते हैं। दोनों ही सरफेसेस के बीच में ये जो फोसा है इसको बोलते हैं इंट्राकोंडाइलर फोसा, इंटरकोंडाइलर नॉच भी बोलते हैं और इंटरकोंडाइलर फोसा भी बोलते हैं। देख रहे हैं पीछे की तरफ ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ ये जाता है, राउंड हो जाता है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाता है पॉपलीटियल सरफेस में।